आरा कोई मिंजो 10-15 रुपये दे दिया, मैं भी पहाड़ा बखे जाने प्रोग्राम बनाया। आरा तू ठीक ला आरा, वैसे भी इतनी गर्मी है, दिल करा कुछ की ठंडे पहाड़े चली आइए। मुंडियो तो जो याद है से भी क्या टाइम था जलो हाँ ठंडे पहाड़े घूमना गए करेरी लेक, कहते तू बर्फ ही बर्फ थी, क्या ठंडा ठंडा मौसम था, याद करा। हम बादलों से ऊपर उठ चुके हैं। भाई क्या बोल रहे हैं, बादलों से ऊपर उठ चुके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। तो गाइस देख सकते हैं पूरा पैक हो चुका हूँ मैं, और अब आप ये सोच रहे होंगे हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ हम जा रहे हैं करेरी लेक। हेलो सभी को हेलो। और ये विराज भाई, ये कुशल भाई है, और ये पंकज भाई है, ये विजय भाई है, और पीछे अरविंद सर है। तो देख सकते हैं ये भाई हमारे हरियाणा के हैं, तो स्पेशल यहाँ करेरी लेक घुमाने लेकर आए हम, घूमने के लिए आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल घूमने के लिए आए हैं, तो देखते हैं कैसी जगह है और कैसे कैसे रहता है सफर हमारा। तो गाइस आज का जो ब्लॉग रहने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो आप उस ब्लॉग को पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि आज हम जा रहे हैं करेरी लेक, तो हमारे साथ सारे भाई जा रहे हैं, तो देखते हैं कैसा सफर रहता है, हमें बर्फ़ देखने को मिलती है नहीं मिलती है। मेरे आइडिया से तो बर्फ़ होगी नीचे पहाड़ों तक, अभी देखते हैं आगे हमें कितनी बर्फ़ देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ से ट्रैक है जो करेरी लेक का, वो है 13 किलोमीटर, तो ये अभी पड़ता है करेरी विलेज जहाँ पे हम खड़े हैं, उसके बाद हम यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे। पता नहीं कितने घंटे लगेंगे हमें वहाँ तक पहुँचने में, देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, तो ब्लॉग को मिस मत करना, पूरा देखना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पहाड़ी स्वैग के साथ। काफ़ी दूर से आए हैं हमसे मिलने, हरियाणा से आए? हाँ जी हरियाणा। हरियाणा से यहाँ कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे आके? यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी। ये हमारे सब्सक्राइबर हैं और इतनी दूर से हमसे मिलने आए हैं, पहली बार इन्होंने पहाड़ देखे हैं। पहाड़ पहली बार देखे हैं, पहले टीवी। ये बात अलग है, अभी सब्सक्राइब करवाया। इधर आओ ना, दिखाते हैं भाई कुछ दिखाना चाहते हैं। ये भाई 4-5 दिन से पड़े कह रहे थे मुझे वो चाहिए, बच्चे बूटी। भाई ये है वो चीज भाई, थोड़ी सी ये थोड़ी सी पकड़ के हाथ लगा के देखो, भाई हाथ लगा के देखो, फिर आप साग बनता है इसका ना? साग। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट लूंगा एक, तो इसका साग बना के खिलाएंगे। लगा के देखो आते हैं सारे सारे नटियाँ। भाई थोड़ी देर लगा यहाँ हल्की देख, अगर ठंड लगेगी तो ना। बैग को देख के ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, तो देख सकते हैं ये देखते हैं कहाँ तक उठा के लेके जाएंगे। सही फोन देना है ना गांव मोड़े पर। अंजल अबराज भाई बड़े खाली चले तो जेल मफलर लिया। अच्छा नहीं जैकेट लियो, ग्लव्स ले पायो। ओ इतना भारी सामान रखे मैं। हां जी चाबी बाइक का, इनको सेवा का मौका दिया जाएगा। भाई जगत त्रिये बड़े गर्मी बड़ी गर्मी बोलिया। हाँ जी सलाई दिन बोलिया, 5 जैकेटा लाइन होने, 5 जैकेटा मफलर पाया, मफलर भी उतरना टेंस के लिए, तो जैकेट त्रिये है मफलर उतरना है। तो दोस्तों हम रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में हमें सब्सक्राइबर मिले हैं, तो सभी को हाय। और ठीक है ओके भाई, ठीक है भाई। और ये भाई भी बिल्कुल बिल्कुल सब्सक्राइबर हमारे ये भी हैं, तो बाकी तो अपने हैं। ठीक है ओके भाई, बाय बाय। नीत हाँ तू दुकान गई खोली यार, तू बंदा टाइम में दुकान नहीं सर लगा मैं खोल आइए क्या आइए यार, टाइम में दुकान खोला करे यार, दिख ला बंदे हूँ इतने बजे चले हो, इन्हें सामान कुछ लेना जल्दी खोल। बस 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 नाटक नहीं चल, ये बोल तेरी दुकान नहीं है, अपनी दुकान है। पहले यहाँ पुल हुआ करता था और उस जमाने में, बट अभी जो जमाने तो देख सकते हैं यार ध्यान से चलिए, अरे मैं गिर चुका हूँ। यहाँ भालू भी होते हैं, तो उनसे थोड़ा बचकर, अगर आपको भालू दिख जाए तो आप क्या करोगे, मतलब उस सिचुएशन में? तो भालू ही करेगा जी, हम क्या करेंगे? तो भालू नहीं करने तो भाई बिल्कुल बिल्कुल हम क्या कर सकते हैं, जब भालू सामने आ जाएगा तो भालू ही करेगा जो भी करेगा। और ये देखते स्वैग पूरा है, पूरा स्वैग दिखा रहे हैं अभी, जरा नहीं थके हमें। ये उतर गया स्वैग, स्वैग उतर गया, उतर गया स्वैग भाई।
क्यों ले पानी पीना मैं किसी के साथ कोलैब करना चाहता हूँ जो मेरा बैग उठा सके। तो भाई कोई है कोलाब? कोई है जो कोलैबोरेशन करना चाहता है रजत भाई के साथ, क्योंकि कोलैबोरेशन वीडियो में नहीं होगी, कोलैबोरेशन होगी बैग में। जो इनका बैग उठाएगा उनके साथ ये कोलैबोरेशन करेंगे। तो यार कोई कमेंट करके बताओ यार, कोई है ऐसा, कोई है बड़े व्हील वाला जो ऐसा काम कर सके, कोलैब कर सके इन भाइयों के साथ। अगर दोस्तों आप इस ट्रैक पर जा रहे हैं तो आपको ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलेंगी रास्ते में, बट आज पता नहीं क्यों बंद है, ऐसे तो खुली रहती हैं, शायद इनका सीजन होता होगा तभी ये खुलती होंगी। आज बंद है, पीछे भी एक दुकान थी वो भी बंद थी, ऊपर भी हैं पर वो पता नहीं खुली हैं कि नहीं खुली हैं। तो देखते हैं यार, सच बोलूँ तो काफ़ी थक चुका हूँ मैं। और ये देख सकते हैं रजत भाई इतने शान से चले हैं, जैसे आएगी थकावट आएगी। पहाड़ों में चढ़ने की आदत, यहाँ से तो बर्फ दिखाई नहीं दे रही है, मतलब देखते हैं ऊपर जाके हमें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। यार ये चीज कितनी सही लग रही है ना, जैसे मतलब ऐसे लग रहा है पत्थर नीचे आ जाएगा, पर ऐसा नहीं, इस टाइम अगर पत्थर आ ही नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं ना पत्थर है, इतने भूकंप आई है, इतनी लड़ाई ता नहीं लिया है, आज की नहीं लिया कौन लिया, इन्नी के फसल इन्नी कितने देर पे रहना पत्थर लो सफर शुरू हो गया। रोनाल्डो का छोटा भाई, ये मैसी का छोटा भाई, कपलू इनका नाम कपलू है क्योंकि चाय कप में पीते हैं, इसलिए इनका नाम कपलू रख दिया हमने। ओके, हम स्टील के ग्लास में पीते हैं क्योंकि हम पहाड़ी हैं, इसलिए नीचे कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये थक चुके हैं, सांसे भूल चुके हैं, इसलिए इनकी स्माइल चलगा सकते हैं। बता ये चश्मा देख, इस बैग देख रहे हैं लोंडे का, पूरा बैग रखता है लड़का। हमारे जो दोस्त हैं जो हरियाणा से आए हैं, वो सिर्फ ऐसे ही बर्फ देखने आए थे, और जब वो घर में थे तो बोल रहे थे कि जो सबसे ऊपर पहाड़ है ना उसके ऊपर जाना है। मतलब बोला चलो चलते हैं, अभी हम जो भी पहाड़ी हैं जो हिमाचल के हैं कांगड़ा के हैं वो सब आगे चले हैं, उनका नाम और उनका तो पता ही नहीं है वो कहाँ पे हैं। तो यार थोड़ा वेट कर लेते हैं उनके लिए, ऐसे होता है ना कि उस पहाड़ पे हम चले जाएंगे वो अलग बात होती है, जब चलते हैं ना तब पता लगता है कि यार कितना कितना लंबा सफर और कितनी चढ़ाई है। तो यार आसान है क्योंकि हमें तो आदत है, क्योंकि ऐसे पहाड़ तो हमारे घर के आसपास भी होते हैं, हम ऐसे पहाड़ों में चढ़ने के लिए मतलब हमेशा तैयार रहते हैं, बट उनको आदत नहीं है, तो हम उनका थोड़ा सा वेट करेंगे। ऐसा ना हो कि हम वापिस आए और वो यहीं पे बैठे हों। तो अगर आप बाहर से हैं, मतलब आप हिमाचल से बाहर हैं, अगर आपने ऐसे ट्रैक नहीं किया है कभी भी, तो इसकी आदत आपको डालनी पड़ेगी, और आप बिल्कुल तैयार होकर आएँ, अपने साथ सारी चीज़ें लेकर आएँ जो ज़रूरी हैं। तो हम अपने साथ पूरी चीज़ें लेकर आए हैं, जैसे खाना हो गया, पानी हो गया, फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब लेकर आए हैं। बिल्कुल। अरे अरे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, वो काले कपड़ों में दिख रहे हैं मुझे नीचे, काफी खुशी हो रही है, अब सुकून मिला। जब रास्ते में आपके साथी बिछड़ जाएं तो आपको एक कोड दिया जाएगा, मतलब दिया नहीं जाएगा, आप बना सकते हो अपना कोड, बना सकते हो खुद का। हमने जो बनाया, क्या बनाया अपनी जी? मुझे लगता है हमारे साथी कोच ये सुना हमारे साथी अभी यहाँ से 200 मीटर दूर है, सिग्नल आ चुका है। तो चलिए, हमें एहसास हो गया कि हमारे साथी जो है सेफ हैं, तो अब हम आराम से अपना सफर तय कर सकते हैं। चलिए, हमारे जो दो भाई हैं वो ऊपर पहुँच चुके हैं, एक भाई हमारे साथ है और सर वो हैं, जो चार लड़के हैं हरियाणा के, उनमें से एक पहाड़ी है वो अभी भी नीचे हैं। हमने उनका वेट किया था, जब हमने उनका वेट किया वो वहाँ पर बैठ गए, उसके बाद हम चार नहीं तीन है ओह सॉरी यार, पता क्या होता है कभी कभी घबरा जाते हैं हम यार कैमरे के सामने यार, क्योंकि हमें पता नहीं हमारे आदमी कितने हैं, कितने आदमी हैं,
सरकार तीन तीन है तो नीचे तीन आदमी है, सॉरी बाय मिस्टेक। और देख सकते हैं यार, देख सकते कितना संघर्ष करना पड़ रहा है जिंदगी में, काफी संघर्ष है। आपको इस तरह का स्ट्रगल बहुत है क्योंकि इंसान हमेशा भटक जाता है अपनी लाइन से, लाइन दूसरी साइड से भी है पर इन्हें जाना इसी साइड से है क्योंकि इस तरह की दिक्कत मिले तो इस तरह के पेड़ पौधों का सहारा ले। तो आप इनको ओवर एक्टिंग के कितने मार्क्स देंगे कमेंट में बताना। हो पानी री टंकी हो भाई रामा, पानी री टंकी हो बेगमा बड़ी बांकी हो भाई रामा, बेगमा बड़ी बांकी हो। बस चली है कलोनी पपरोड़े, ओ ड्राइवर अमर सिंगा हो। तो दोस्तों जब भी हमारे साथ कोई जाता है हम उसको यही बोलते हैं कि बस थोड़ी दूर रहा है, तो कैसे बताते हैं उसको अपनी जी, जब कोई पूछता है कि ऐसे जाना ऐसे फिर ऐसे पहुंच गए, बस इतना मतलब इतना बताते हैं हम कि भाई पहुंच गए आप, बस दो मोड़ है बस, दो मोड़ है बाकी बहुत बहुत लंबा सफर है। ये ऐसे कितने किलोमीटर, ऐसे कितने किलोमीटर, ऐसे कितने किलोमीटर, यार हम किलोमीटर में मापते नहीं भाई, विश्वास रखते नहीं हम किलोमीटर, हम सिर्फ ऐसे ऐसे करते बस पहुंच गए भाई। क्या बोलते हैं कितने घंटे लग जाएंगे, चार पांच लग जाएंगे घंटे भाई। हमारे साथ जो हरियाणा के दोस्त आए हैं आसपास ही नहीं है, मुझे लग रहा है हरियाणा चले गए, कहीं घूम तो नहीं हो गए भाई। भाई जैसे मैंने बोला था कि हमारे और बाबे पर उन्होंने रास्ता बदल लिया है, रास्ता उस साइड से दिखाइए, ये तो हिमाचल के आ रहा, ये तो हिमाचल के अपने भाई हैं यहाँ के प्रांत में, हरियाणा कदम चले गए, हरियाणा वाले हरियाणा तो चले गए। बहुत अच्छा लगा यहाँ पहुँच के। नहीं अभी कहाँ आप देख रहे हो, वो सामने बर्फ दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है बस, आप बिल्कुल बर्फ के नजदीक हो अब, उस बर्फ ने तो फंसा दिया उस बर्फ ने तो बता दिया भाई। भाई सामने बर्फ दिख रही है, क्या कैसा लग रहा है आपको, मतलब अब लग रहा है मंजिल नजदीक है, पास में ही है, पास में ही निकल रही, क्या बात है। ये कौन सा रास्ता है, ये कौन सा रास्ता है भाई, चलो रे डंग तो चलो रे, ठीक है टंगे ना चलो भाऊ, चलो भाऊ टंगे ना चलो भाऊ, टंगे चक्के नहीं। भाई पेड़ कौन से यार, क्या बोलते हैं देवदार के होते हैं, देवदार के पेड़ है। तो यार कमेंट में बताओ जिनको पता है ये देवदार के पेड़ है, मुझे तो नहीं पता, मुझे आइडिया सिर्फ कि देवदार के पेड़ है, जो बीज पड़ी है इस पेड़ पे पड़ी थी, और देख सकते हैं पेड़ बिल्कुल सूख चुका है और आधा गिर के नीचे चला गया। और भाई क्या हाल है भाई, कितनी दूर है, थोड़ा ही है ना। सच बात बताऊँ तो भाई ने भी हमें हौसला दिया कि थोड़ी दूर है, हमें पता है कि कितनी दूर है। तो दोस्तों हम काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और सामने एक दुकान खुली दिखाई दे रही है हमें, पीछे तो सारी दुकानें बंद थी बट यहाँ पे एक दुकान खुली है। यहाँ भाई से पूछते हैं कि यार ऊपर बर्फ़ पड़ी है कि नहीं पड़ी है, क्योंकि आइडिया से ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ थोड़ी थोड़ी है, बाकी पूछते हैं भाई से कि कितनी बर्फ़ है। उसका भाई जी पड़ी भाई बर्फ़ ऊपर, तो कैसा लग रहा है अपनी जी, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है मुझे तो यहाँ पे पहुँच के, बस मैं ये सोच रहा हूँ कब हम ऊपर पहुँच जाए और बर्फ़ के साथ छेड़छाड़ करें, खेलना चाहता है ये, खेलना चाहता बर्फ के साथ खेलना चाहता है। कुशल भाई बहुत एंजॉय किया भाई, देखो और ये भाई आप कहाँ से हो, करेरी विलेज से, अच्छा 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 आप भी पहुँच गए, आप कब पहुँचे यार, आप पहुँच जाएंगे, मैं आपसे पहले यहाँ बैठा हुआ था, अच्छा अच्छा अच्छा, हमने देखा नहीं था आपको, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, ये हमारे भैया और हमारे बड़े भैया। भैया जब गाना गा रहे थे कौन सा गाना गा रहे थे, नदिया पुकारे मत पूछ, नदिया ने हम पुकार रहे थे भाई आपको कब इतनी देर से। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ आप रुक सकते हैं, एक जो हम रुके थे वो वाली दुकान थी, एक ये खुली है दुकान, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं और यहाँ पे कैंप भी लगते हैं। एक्साइटमेंट देख रहे हो लंदन में, दुकानदार से बात करके आया था, नर्दी आ गई, वेरी नाइस, चलिए आप चलते चलिए, हमें रुकना नहीं है, हमें चलना है, हमें चलना है, गिरना चाहता हूँ
बहना भी चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहते हैं। अगर आप जब भी यहाँ आएंगे तो आपको एक मंदिर देखने को मिलेगा जो कि है श्री भोलेनाथ का। तो कितना खूबसूरत मंदिर है, देख सकते हैं पहाड़ों पर ये मंदिर है। मतलब ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, जय हो शंभू। दोस्तों ये चीज़ बैठने के लिए अच्छी लगी, यहाँ आप आराम से बैठ सकते हैं, आराम से। और तो कोई कैफ़े है, बढ़िया कैफ़े है, और यहाँ पे होती है कैंपिंग। आप जब करेरी का प्लान बना रहे हो, अगर कैंप करना चाहते हो आप, है ना, तो यहाँ पे आप कैंप कर सकते हो आराम से। ये लोकेशन है जहाँ पे कैंप होते हैं, एक नीचे भी है वो भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। ऊपर तो फिर सारा ट्रैक है बर्फ़ का, और देख सकते हैं बर्फ़ जो हल्की हल्की दिख रही है, मतलब ये ज़्यादा नहीं है, हमने ज़्यादा सोचा था कि मतलब ज़्यादा बर्फ़ होगी, बट ये उतनी नहीं है। अब भूख लग पड़ी है तो खाना खुना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या प्लान बनता है, उनका क्या मूड है, मतलब जाने का है कि नहीं जाने का है, क्योंकि यार हम जाएंगे, हमारा तो पूरा मूड है कि जाने का, ठीक है। बट मुझे उनको देख के ऐसा लग रहा है कि यार वो वापस ना बोल दे जाने को। दो बज गए, हाँ दो बज चुके हैं, दो बज चुके हैं, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। प्रो उन्होंने उन्होंने बोला बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यार सारे क्लैपिंग करो इनके लिए यार, हरियाणा वाले पहुंच गए अभी, पहाड़ी है दो नीचे बैठे, सारे क्लैपिंग करनी है, 1 2 3 क्लैप, बहुत बढ़िया, बहुत जी स्वागत है, स्वागत है जी, अरे पहुंच गए बस 50% हो गया अभी, देखते हैं अभी हम बिल्कुल ओके हैं, ओके ना, अब क्योंकि अब ना अब सीधी है, अब तो प्लेन ही है, अब खाना खाना खाएंगे तब एनर्जी और ज्यादा आएगी, भाई सब कह रहे प्लेन ही है, मतलब यार बोलना पड़ता है ऐसे ऐसे, समझ रहे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हौसला है भाई, हौसला है, हौसला है, हौसले पे तो दुनिया चलती है, खाना खिलाएंगे, एनर्जी, हाँ खाना खाएंगे, आज बर्फ भी पड़ेगी यहाँ पे, हाँ पड़ेगी, किसने बोला, किसने ये किसने बोल दिया आपको, पड़नी है बर्फ तो, कुछ भी कुछ भी। तो दोस्तों हमने खाना वगैरह खा लिया है, अब हम ऊपर जाएंगे, देखते हैं कितना टाइम और लगता है। तो 3 तो बज चुके हैं यहाँ पे हमें, मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम लगेगा ऊपर जाने के लिए, और ठंड जो है मतलब पहले से काफ़ी बढ़ चुकी है, पहले तो धूप थी तो इतनी महसूस नहीं हो रही थी ठंड, बट अब ऐसा है कि अब थोड़ा जैसे जैसे शाम होती जाएगी और टेम्परेचर गिरता जाएगा, मतलब ठंड होती जाएगी, और भाई जी पूरे जोश में अपने होश खो बैठे हैं। भाई मजा तो आ रहा है बर्फ देखने का, पर जो चढ़ाई है ना वो भी मजा दिला रही है उसमें मजा आ रहा है भाई चढ़ने में, क्या बोल रहे भाई साहब, थक गए भाई, बुरा हाल है। चलो हमने फिर भी हिम्मत करी, बट जो हमारे पीछे है ना भाई वो तो हिम्मत हार चुके हैं, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है। चलो देखते हैं कितना सफ़र हो रहा है और कितना कर पाते हैं ना। दोस्तों क्या चाहिए और क्या चाहिए दोस्तों, और ये बर्फ़ है मतलब काफ़ी है, अगर एंजॉय करना है आपने ना बर्फ़ से तो काफ़ी मेरे हिसाब से है ना, अगर आपको जाना है पूरा लेक देखना है तो थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ऊपर है, अब 2.5 किलोमीटर मैंने बताया ना, तो 1.5 किलोमीटर अब हो रहा है, तो आप कर सकते हो, मतलब अगर आप चाहते हो कि आपने लेक देखना है तो यार आराम से आप कर सकते हो रेस्ट ले लेकर, अभी थोड़ा बर्फ़ कम है इसलिए जल्दी चल रहे हैं, नहीं तो अगर बर्फ़ ज़्यादा होता है ना तो फिर मुश्किल ही होती है कि यार चलने में प्रॉब्लम होता है थोड़ा, तो उसकी वजह से ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यार हम भी आराम आराम से चल रहे हैं, थोड़ा एक एक मिनट का ब्रेक ले रहे हैं बीच बीच में, तो तभी हम इतना जल्दी पहुँच रहे हैं। भाइयों
के लग रहे करने से भैया। तो दोस्तों जितो तुम धूप चमकी सुझ जाए ना ये लास्ट पहाड़ है, क्या लास्ट पहाड़ है ने ये लास्ट पहाड़ है, उसके बाद हम पुजी आना करेरी लेक। हाँ पता कहीं जल्दी चल लियो, हाँ जल्दी ता चले नेर ना होइया भाई घर बनाने भी दे क्या मतलब मजा आना ना हेठ बैठ इतो हेठ बैठे आओ बर्फ आदि मजा आ जाना क्या होया पूरा साल बर्फ रहना। ये बर्फ वाला घास तो जिंदा थोड़ा होता है, घास होता है जी। वो रहा पहाड़ और उसके नीचे लेक है, तो यार कितनी खुशी मिल रही है यहाँ पर पहुंचकर, क्योंकि यार थक चुके हैं, मैं सच बताऊं तो थक चुका हूँ मैं पहाड़ चढ़ चढ़ कर, और यार बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, कहीं देख लूं यार बालू बोलू ना हो, है ना। तो देख सकते हैं कितना जोश आ रहा है इनको, मतलब सामने मंजिल है और जोश देख रहे हैं, जोश में होश उड़ा चुके हैं, बस हो गया जोश खत्म हो गया, इतना जोश था। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं और हम अपनी मंजिल में पहुंच चुके हैं और सामने करेरी लेक है और काफ़ी खुशी हो रही है हमें, क्योंकि ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल थी और इस मुश्किल चढ़ाई में हमारा साथ दिया तो हमारी हिम्मत ने और इन दो भाइयों ने, और बाकी क्या बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चढ़ जाइए, ये हमारे साथ रोनाल्डो और आगे मैसी। चढ़ जाइए, अगर अगर आपके पास कोई भी काम करने की काबिलियत है और क्या बोलते कितना प्यारा व्यू है, मतलब ऐसे लग रहा है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो दोस्तों मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, काफ़ी खुशी हो रही है, चलते हैं, नज़ारा काफ़ी रोमांचक है। तो दोस्तों मैं तो सिर्फ यहाँ का व्यू देखना चाहता हूँ कि कैसा है, तो यार देख सकते हैं फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाई, यार वीडियो बन रही है, आ जाओ क्या गए। तो यार ये हमारे गांव के हैं, कब आए भाई? हम आज सुबह निकले हैं भाई, बहुत बढ़िया क्या निकले, क्या गए? ठीक है भाई, ये देख लीजिए यार, ले भाई यार पानी पी ले यार, ले ले बोतल ले ले यार, दिखाई बर्फ और भाई कितने लगी बहुत बढ़िया लगी ना, जबरदस्त हाँ। तोड़े चले उन्हें पालम में जा, खतरे तू क्या दिखे था पालम था मिले पाल मिला जो हाँ वो तो दिया चंडीगढ़ भाई यार तो पाप बोला कि ऊपर पर चंडीगढ़ भी है ना, ये तो पालम मिला है ना, है कोई ले ला, ये ऐसा होता है जब अपना काम हो जाता तो ऐसे फेंकते हैं यार, ऐसे होता है यार, ठंडा और क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये है मंदिर और ये है जो लेक है करेरी लेक, अभी तो जम चुकी है तो बर्फ के कारण, क्या कितने है इसका ये बदला है हरकत चढ़नी लेक ही था, मैं दसा था बे ना दसा क्योंकि खड़ा ही नहीं होता मुझे, ये सारी की सारी लेक है तो देख सकते हैं वहाँ तक ठीक है, तो ये आखिरी पहाड़ उसके बाद चाइना पड़ जाता है वहाँ पे पाकिस्तान या सऊदी अरबिया, ओके कुछ भी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप सामने सनसेट हो रहा है और क्या प्यारा व्यू है यहाँ पर, तो ये है करेरी लेक जिसका जिक्र हम कर रहे थे सुबह से, और ये है यहाँ का मंदिर ये कुछ बोल रहे हैं अंग्रेजी, ये पैक हो चुके हैं अपनी तो ये है बर्फ, जब आप बोलते हैं ना कि पहाड़ पर बर्फ देखनी तो ऐसी होती है बर्फ, हाथ सुन हो जाते हैं पूरे, और अभी भाई ऊपर चढ़ रहे हैं देख सकते हैं आप, यह बर्फ ये है यहाँ का नज़ारा,
ये चीज़ मिस कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से हम ये चीज़ मिस कर रहे थे। देख सकते हैं आप यार क्या व्यू है, यार क्या व्यू है। जूता फंस चुका है, काफ़ी मशक्कत के बाद भाई साहब का जूता निकला है, बहुत बढ़िया। और अभी लोकेशन की तरफ ले जाते हैं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया व्यू, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और बर्फ के बीच ये नारायण प्राणी फिर धस चुका है। आप जब भी आए ध्यान से चले यार, देख सकते हैं देखिए इतना नहीं फंसे वैसे दिख लगा नहीं, देख सकते कितना गहरा है, बहुत गहरा यार। दोस्तों हाँ तो एक गल दसनी है, क्या गल है सर? अरे हमारे दोस्त पूछिए ना फाइनली सलामत है, हाँ जो बड़ी बड़ी ज्यादा खुशी है। तो दोस्तों फाइनली हमारे हरियाणा वाले भाई पहुंच चुके हैं। हाय दोस्तों, कैसा लगा भाई? ये सफर बहुत ही अच्छा था। अच्छा, कठिन था पर हमने पार कर लिया। क्या बात है, क्या बात है भाई जी? कैसा लगा आपको ये? भाई, अच्छा लगा। भाई ये वही भाई हैं कि कोई और है? कैसा लग रहा भाई? बहुत बढ़िया। रिव्यू दीजिए क्योंकि आपके वहाँ हरियाणा के लोग भी देखेंगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि कैसा भी हो? एक बार जरूर आना इस पॉइंट पे। क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बहुत ही प्यारा। देख सकते हैं आपकी भाई को भी अच्छा लगा, और हमारा इनको लाना यहाँ पर सक्सेसफुल रहा। और कुशल भाई, भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, ऊपर आके तो क्या बोलते हैं, नज़ारा ना नज़ारा है भाई, देख सकते हैं। ट्राई नहीं करेंगे नहीं भाई, हिम्मत देनी है सबको, अगली बार देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आग जलाने की कोशिश की, बट टेम्परेचर इतना लो है कि आग भी नहीं जल रही है ढंग से। तो अब हम सोच रहे हैं कि टाइम से हम नीचे चले जाएं, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ी देर में बिल्कुल लो हो जाएगा, अभी भी लो है बट उसके बाद टेम्परेचर और गिर जाएगा, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए नीचे उतरना। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमें जल्दी से नीचे जाना चाहिए, तो क्या बोलते भाई? क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल, पूरी टीम की फोटो की एक फोटो ले लेते हैं और यहीं पे ब्लॉग प्लान करते हैं। सक्सेसफुल राइड होगी अपनी, वेरी नाइस। सक्सेसफुल रही ना? बिल्कुल सक्सेसफुल, एंजॉय किया, एंजॉय फुल्ली एंजॉय। मेरे मुंह से धुआं निकलना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और प्यारा सा कमेंट भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हाँ मुंडे, क्या ठंडा ठंडा मौसम था, क्या ठंडी ठंडी बर्फी, मजा आई यार। ओ डोगरे सेता हां पहले है गयो, हुन तहा गर्मी च रहना पोना, हां जो नहीं ये करदे ना खड्डा ना होइंदे, ए ठीक लादा ठंडा ना फील हो जाना। हां चला तोना वीडियो लाइक कर दिया करे, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करे, वीडियो शेयर भी कर दिया, गर्मी च ना ठंडा ठंडा लाइक कर दिया, कर दे जल्दी।